गुरुपुरा आराध गुरुपुरा बिखम दल फोड़िए बिखम दल फोड़िए गुरपुरा अराध गुरपुरा अराध बिखम दल फोड़िए बिखम दल फोड़िए हाँ तिस आगे दिन रात हाँ तिस आगे दिन रात रह कर जोड़िए
मधुर पूरा अरा गुरु पूरा आराध बिखम दाल फोड़िए बिखम दाल फोड़िए दस नारी अद्भुत दस नारी अद्भुत देन जिन जिन लैन रला जिन जिन लैन रला त्रिगुण इनके वास किने ना बोड़ी है किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई परम कोट माया खाई कहो कित विद तोड़िए कहो कित बेद तोड़िए कहो कित बेद तोड़िए गुदपुरा अला गुरपुरा आराध बिखम दाल फोड़िए बिखम दाल फोड़िए हो तिस आगे
दिन रात भक्त से आगे दिन रात रहा कर जो फौज सतानी फौज सतानी हाट बिखम दल फौज सतानी हाट पंचां जोड़ी गुरपुरा आराध बिखम दल थोड़ी अज दा ए मसला किसे एक मनुख दा नहीं पूरी मनुखता दा बन चुका है। बहुत देर पहला एक मसला आया सी कि जीवन दो पहलुआं दा सुमेल है, अंदर ते बाहर। काया ते जीव आत्मा हर मनुख नू हर जीव नू जीवन मिले है इस धरती ते, ते उन्दियां दो चीजां दा सुमेल होया है, काया ते विच जीव। पावें आकाश ते उड्डन वाले पंछी ने, पावें जंगलां विच रहन वाले जानवर ने, ते पावें खूबसूरत महलां विच रहन वाला मनुख है, ये दो चीजों का सुमेल सब कोल है, काया ते जीव। और दूजी इस तो अगली गल तरतीब दी सी, ओ सी
जीव विच काया नहीं, काया विच जीव है। ते जेड़ी चीज जिंदे विच होए उनका बारला हिस्सा जिंदे विच है, उनका बारला हिस्सा बाहर खवांदा है, ते ज अंदरला हिस्सा जिथे विच रहंदी है उनका अंदरला हिस्सा खवांदा है। बस इसे दा नाम अंतर ते बाहर है, अंदर ते बाहर है। इस तो अगे भी आया सी कि अंदरों ही हर चीज बाहर आउंदी। मैं पिछले विचारां दी लड़ी नू अगले सतगुरु दे बख्शे हुए ख्याल नाल जोड़ना चाहना। अंदरों ही बार आउंदा है, ते इस दी पड़चोल लई एक लाइन भी सी, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे पिछों होवे छाओ। पहला बुनियाद जेड़ी अंदर हुंदी है, पहला जड़ जेड़ी अंदर हुंदी है, धरती दे मुड़ के बूटा बाहर आउंदा है। बूटा इस गल दा प्रतीक है कि अंदर कोई जड़ है, अंदरों बाहर आई है। अंदर हर शक्ति है, बाहर उनका प्रतीक जोड़ है। खूबसूरती भी ताए जे अंदर जीव है, सियानप भी ताए जे अंदर जीव है। गुरु ने भी बाणी विच कह दिता, मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन क्योंकि अंदर है, तन बाहर है। अंदरों शक्ति, अंदर दी शक्ति ही बाहर दा प्रतीक है। अखां दे अंदर चानन ना होवे, जोत ना होवे, बाहर जिन्ने मर्जी दीवे जगा के रख लो, बाहर दे दीवे दिसदे ने, पर उसे नू जिंदे अंदर चानन है, अंदर जोत है। गुरु ने भी बाणी विच हर गल नू फैसला कुन जवाब दे के लिखी है। गुरु कहंदे ने, अंधे चानन रखिए दीवे बले पचास, पचास दीवे बाल लो, पर अंधला है उनकी अखां विच जोत नहीं। इसलिए अंदरली जोत ने बाहरली जोत नू प्रगट करना है। इसलिए एक ख्याल करियो, मैं ये सारियां पिछलियां एग्जाम्पलां इसलिए दित्तियां ने कि अज दा मसला भी एहो आया है कि हर चीज अंदर ते बाहर दोआं पासे वक्खरे वक्खरे रूप विच है। अंदर चानन है, बाहर चानन है। मन बलवान है तां सकाया भी बलवान है। हुण इत्थे मसला अज दा है कि जो कुछ असीं बाहर देख रहे हैं अंदर भी है। अंदर है तां ही बाहर है। असीं बाहर अपनियां लोड़ां लई बहुत कुछ करने हैं, पर अंदर पहला मन वो कुछ करन लई तैयार हुंदा है तां ही करने हैं। अज दा सवाल है कि बाहर युद्ध हुंदे ने, जंग हुंदे ने, उन्हां लई शस्त्रां दा इकत्रता, हथियारां दी इकत्रता हुंदी, आइटम बंब बरूद बनाए जांदे ने, उन्दे नाल संसार दा जिहड़ा कमजोर वर्ग है उन्दा नुकसान हुंदा है, बलवान वर्ग दा नहीं, कमजोर वर्ग दा। गुरु कहंदे ने तू बाहरलियां लोड़ां ते बाहरले युद्ध नू अखां नाल देखिया है, वो कदी कदी हुंदा है, रोज नहीं। उन्दे लई मनुख तैयारी करदा,
ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖਵਾ, ਹੁਣ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ, ਬੜਾ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸਰੂਪ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਫਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਟੈਂਕ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੇ ਪਲੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਉਸ 50 ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50 ਵਾਂਗੂ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਓ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰ ਬੀਰ ਵਰਿਆਮ ਕਿਨੇ ਨਾ ਹੋੜੀਐ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਵਰਿਆਮ ਕਿਨੇ ਨਾ ਹੋੜੀਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਫੌਜ ਸਤਾਣੀ ਹਾਟ, ਹਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਹੱਠ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੱਠੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਸਤਾਣੀ ਹਾਟ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਠੀ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
पंज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिहड़े अंदर बैठे ने बड़े हठी ने इन्ने शक्तिशाली ने अज तक इन्हां नूं कोई रोक ही नहीं सके आए अपना असर अपना राज हर थां ते कर रहे ने पंच सता फौज सतानी हाठ पंचां जोड़ी है उन्हें ये पांच जोड़ लेने मन ने मन अंदर राज कर रहे हैं उन्हें ये पांच जोड़ लेने फिर दस नारी और दूत जो ये दस इंद्रिय ने दस इंद्रियां ने वो भी उन्हें अपने वास में कर लिया देन चमोड़ी ये इन्हें सारे उन्होंने नाल चमोड़ दिता है उन्हें पंजे इंद्रियां दसे इंद्रियां जड़ियां ने वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे अधीन हो गई ने देन चमोड़ी ये कहते ने होर भी जिन्ना जिन्ना नु भी विकारा नु उन्हें अपने नाल रला लिया ना दुनिया का हर मनुख का मन जड़ा है उन्हें विकारा नाल प्यार करन लग पिया है जिन जिन लैन रलाए जिन जिन लैन रलाए ओना लोड़िया सारिया नु अपना समझ बैठा है हर विकार नु मिठा लगता है हर विकार इस नु चंगा लगता है नाल रल गया इस फौज दे कहते नतीजा की होया त्रै गुण इनके वस तिन्ने गुणा दे लोग रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी तिन्नों गुणा दे लोग जड़े ने इन्हां दे वस विच हो गए लो अंदर लजुद्ध दी गल करदे ने जिंदे जित्ते बिना तू बाहर लजुद्ध नहीं जित सकदा लो मसला इत्थे है कहिंदे ने त्रै गुण इनके वस रजो गुणी तमो गुणी तक कीती रहा सतो गुणी भी इन्हां दे वस विच डेरिया विच बैठे लंबे चोलियां वाले हाथ विच मालां वाले गल विच मालां वाले अपने आप नूं अमृत धारी खोण वाले वह भी इन्हां दे वस विच ने त्रै गुण इनके वस किने ना मोड़िए किसे ने भी इन्हां नूं मोड़ा नहीं पाया इन्हां नूं पिछे नहीं रोकिया भी तुसीं साडे नेड़े ना आओ किने ना मोड़िए कहिंदे ने इन्हां दे इन्ने पक्के इंतजाम ने अंदर के परम कोट परमां दा कोट किला बना लिया इन्हां ने उन्दे विच बैठे माया खाई कहो कित बिद तोड़िए है इन्ना वड्डा आडंबर अंदर बैठा है जिहड़ा राज कर रहा है बाबा कबीर जी दा भी एक शब्द है बड़ी खूबसूरत गल उन्होंने दृश्य रचिया ते कहंदे ने दोवर कोट अर तेवर खाई पांच पचीस महामद मद सर आड़ी पर बल माया जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करो रगराया काम के वारे काम के वारे दुख सुख दरवानी पाप पुण्य दरवाजा क्रोध प्रधान महाबल ते मन मावासी राजा इस तरह बैठा दसो मैं किवें करा अवर पंच हम एक जना गुरु ने इत्थे तक हर गल नूं चेतन हो के समझन लई आख्या कहन लगे इन्हां कोलों मैं किवें बचा अवर पंच हम एक जना क्यों राखूं घर बार मना मारें लूटें
नीत नीत किस आगे करी पुकार जाना। मैं बड़ा दुखी हाँ, बड़ा परेशान, किंदे अगे फरियाद करा कि मैनू इन्हां पंजां कोलों बचावे। इस देही अंदर उत्थे नफस अंदर है, अंदर दे हिस्से दा युद्ध है। इस देही अंदर है पंच चोर वस हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूटें, मन मुख नहीं बूझे। पुकार भी कोई सुनता, मदद ते भी कोई नहीं आउंदा। कोई संसार दा डेरा, कोई संसार दा भेखधारी इस मेरी मदद ते नहीं आया कि इन्हां पंजां कोलों मैनूं छुड़ा लवे। लो मसला ए आ गया। जड़ी तो कपा टेक रखी है ना इत्थे तक पहुंचना है। कहंदे ने मैं पुकार करना ते किंदे अगे करा, किस आगे करी पुकार जाना, किंदे अगे पुकार करा। ते जवाब इस शब्द दियां आखरी लाइना विच है। कहन लगे तरीका ए है कि गुरपुरब आराध बिखम दल फोड़ी है। जिथे पहला ये लफज आखे ने ना कि बिखम दल केड़ा है, सूर बीर वरियाम किने ना होड़ी है, जिथे उथे लफज कहे ने उनका जवाब इत्थे है भी ये बिखम दल जिथे सवाल खड़ा किया ने ना आख्या ने भरम कोट माया खाई कौ के दबिद तोड़ी है, उथे जवाब सी गुरपुरा आराध बिखम दल फोड़ी है। ये बिखम दल जेड़ा है ये गुरपुरे नू आराधन नाल ही फोड़िया जाए। सोच जिन्नी देर तू अंदर दा युद्ध नहीं जितदा बाहर लकमें जितेंगा। बाहर ले युद्धां दी तैयारी ता रोज करना है, रोज देखना है। बाहर तेरा दुश्मन एक ख्याल करी तरतीब सारी, बाहर दुश्मन ने तेरे झूठे पुलिस मुकाबले बनाने लई पुलां दा सहारा ओला लिया है, ते अंदर दे दुश्मन ने तेरे सिद्धांत नू खत्म करन लई उन्हें धर्म दा सहारा। धर्म भी एक पुल है, मनुख काया जीव आत्मा ते परमात्मा दे दरम्यान विच मेलन वाली पुल है एक धर्म। धर्म दी होर की भी आख्या है, धर्म एक ओ पुल है जिहड़ी आत्मा नू परमात्मा तक पहुंचा सकती है। पुल दा मतलब हुंदा दो किनारे जिहड़े आपस विच कदी ना मिल सकन जे पुल ना होवे। कहिंदे जे धर्म नाम दी चीज ना होवे, धर्म नाम दी व्याख्या ना होवे, आत्मा परमात्मा कदी मिली ना सकन। आखिर गुरु ने इसे लई धर्म का प्रचार का मसला लिया, पर हुण मसला यह आया कि इसे ही धर्म के सहारे धर्म का नाम लैके ही तेरी आत्मा का सिद्धांत खत्म किया जा रहा है। जो कुछ अज अंदर हमले हो रहे हैं वो धर्म नाम थले हो रहे हैं, धर्मी पहरावे विच हो रहे हैं। जिहड़ा अंदरला सिद्धांत मिटाया जा रहा है उन्हू कोई धर्म का बाणा पहन के लिया लिया के बैठा है। ते फिर अगले पास एक बड़ी खूबसूरत गल आखी उन्हें, कह लगे एक ख्याल करी तैनू सुचेत रहन की लोड़ है, बाहर दे हमले तो भी अंदर दे हमले तो भी। आज दो मुहाजां ते तेरी लड़ाई है, बाहरले मुहाज ते तेरा स्वरूप बर्बाद किया जा रहा है, अंदर दे मुहाज ते तेरा सिद्धांत मलिया मेट किया जा रहा है। युद्ध बाहर भी हो रहा है, युद्ध अंदर भी हो रहा है, पर दुख की गल ए है गुरु कहते हैं
मैं देखदा हां कि तू बाहर दे युद्धां नूं तां देख रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, रोज धरने भी लगा रहे हैं, रोज हथियारां दे मसले भी खड़े कर रहे हैं, पर अंदर दा युद्ध जेड़ा तेरे जीवन दे अंदर सिद्धांत दी बर्बादी कर रहा है, जे तेरे कोल अंदर दा जंग ना जितया गया बाहरला नहीं जित सकेगा, क्योंकि तेरा ख्याल अंदर वाला है नहीं, तू अंदर मुख ही नहीं, बाहर ही सोची जाना, अंदर सोचता ही नहीं, अंदर हार रहे हैं, अंदर आत्मा मर रही है, मुर्दा आत्मा, भला एक ख्याल करी तू जने खने दा गुलाम क्यों है, क्योंकि अंदर गुलाम हो चुका है, तू दल ही नहीं बदलता, दर बदल रहे हैं, दल ते दर विच किन्नी क दूरी है, जदों तू दल रोज बदलना है तो विश्वास कर तू रोज दर बदलना है, तो जेड़ा रोज दर बदले उन्हू की आख देने, दर दर भटकना, दर दर दा मंगता बना दिता गया है सिख ते बनाया इन फौजा ने। गुरु ने बड़ी खूबसूरत गल आखी, कहन लगे जे बचना ही तो तेरे को इको तरीका है। कहन लगे केड़ा तीर वरतां, सतगुरु ने बड़ी खूबसूरत गल बाणी विच आखी, कहन लगे गुरु कोल एक बाण है, तीर है, वह तो बजर कल नू भी छेद दिंदा है। बजर कल का मतलब होंदा है जिहड़ी पथरीला धरती होवे, जिंदा दिल, जिंदे विचार इन्ने मजबूत होन के फलाने दा दिल तो जी पत्थर वर्गा है, उन्दे ते कोई असर ही नहीं हुंदा। ते गुरु ने बाणी विच आखिया, कहन लगे गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा। गुरबाणी दी तुक है, गुरु दे बाण ने तां बजर कल ओ हिरदे जिहड़े कौडे राक्ष वर्गे सन, ओ हिरदे सज्जन ठग वर्गे सन, ओ हिरदे जिहड़े भूमिया चोर वर्गे सन, ओ भी उन्हां विच सुराख कर दे, उन्हां ते असर कीता। भाई गुरदास ने बड़ी खूबसूरत गल आखी, कहन लगे गढ़ बगदाद निवाए के मक्का मदीना सब नवाया, सिद्ध 84 मंडली खट दर्शन पखंड जनाया, पतालां आकाश लख जित्ती धरती जगत सबाया, जित्ती नवखंड मेदन किस चीज नाल, किस चीज नाल। गुरु ने बाणी विच आखिया, गुरु कोल सी बाणी दा तीर, बाणी दा बाण, जिन्ने हिरदे ते असर कीता, अंदरले जंग नू पहला जितया। एक ख्याल करियो, गुरु नानक तो लाए के 100-150 साल तो सिर्फ अंदर दे जंग नू जितन दी गुरबाणी बख्शी, सिद्धांत बख्शिया, तलवार तो बाद विच, बाहर दे जंग दी तैयारी तो बाद विच कीती। बल्कि मैं एक बार कीती सी, ब्राह्मण की सी जिहड़ा ब्राह्मणिज्म नाल अंदर बर्बाद कर रहा सी, सिद्धांत बर्बाद कर रहा सी, ते गुरु नानक ने सब तो पहला ब्राह्मण नाल टक्कर लई, बाद विच वक्त दे बादशाह नाल, सियासत नाल बाद दी टक्कर है, पहला अपने अंदर दी टक्कर, जिहड़ा अंदर दा युद्ध है उन्हूं जित के विखा। ते अज साडा दुखांत की है, असी अंदर दे युद्ध वाला ध्यान ना देन करके हार गए, अंदर साडे विकार आ गए ने, लोभ लालच दे मारे हुए असी दर दर दे गुलाम हो के रोज दल बदलने, भाव रोज दर बदलने। ते गुरु ने एहो गल बाणी विच आखी, कहन लगे आ पहला अंदर दा युद्ध जित, ते अंदर दा युद्ध जितन दा तरीका अपनी रचना तो इन्हां चार लाइनां विच दे दित्ता है। कहन लगे सूरबीर वरियाम किने ना होड़ी है,
ਫੌਜਸਤਾਨੀ ਹਾਠ ਪੰਚਾਂ ਜੋੜੀ ਹੈ ਦਸ ਨਾਰੀ ਅਦਭੁਤ ਦੇਣ ਚਮੋੜੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਰਹਿਣ ਲੜਾਏ ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਕੇ ਬਸ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਮਤ ਕਿਤੇ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਗੋਲ ਨੁਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਇਨਕੇ ਵਸ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਇਨਕੇ ਵਸ ਕਿਨੇ ਨਾ ਮੋੜੀਏ ਭਰਮ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਖਾਈ ਕਹੋ ਕਿਤ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਲਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗਾ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੈ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਬੜਦੁੰਦਰ ਤੈ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਜਾਲੀ ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿੱਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਬਿਖਮ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਠ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਾ ਕਰ ਜੋੜੀਏ ਹੋ ਕਿਸ ਆਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਾ ਕਰ ਜੋੜੀਏ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਆਪ ਸਵਾਰੇ
मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, सुख चन पर आप स्वार्थ नहीं, आप स्वार्थ नहीं। कह लगे जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, जे तू आप स्वारेगा ता मिल सकेगा, ता तू मेरा हो सकेगा, ते जिस दिन तू मेरा हो जाएगा फिर सारा संसार दा राज तेरा होवेगा, दुनिया तेरे सामने झुकेगी। अज तू दरवाजे ते मंगता बन के खलोता है, इसकी गहराई वाल जा, गुरबाणी को पुछ क्यों तेनू दर दर दा मंगता बनना पै रहा है। इन शब्द नाल खिमांदा जा चेता, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।